हाय एवरीवन, वेलकम टू अर्पिता शर्मा क्लासेस। मैं हूँ अर्पिता शर्मा, आप लोगों की एजुकेटर। और आज हम कवर करने वाले हैं हाउ टू कवर हिस्ट्री इन 50 डेज। ये टॉपिक है जिसे हम कवर करेंगे आज, कि हिस्ट्री को 50 दिन में कैसे आप कवर करेंगे प्रीलिम्स से पहले। ठीक है, तो मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि आपने हिस्ट्री एक बार ही कवर कर लिया है। ये रिविजनरी स्ट्रैटेजी है आप लोगों के लिए। ठीक है, आई एम अज्यूमिंग दैट वन टाइम यू हैव कवर्ड कम्प्लीटेड द एंटायर सिलेबस। नाउ दिस इज दी स्ट्रैटेजी फॉर रिविजन पर्पज, और ये प्रिलिम्स के लिए है। दिस इज फॉर प्रिलिम्स, ओके, मेन्स ऑल्सो, बट ऑल्सो फॉर प्रिलिम्स। मतलब आपका 70% फोकस प्रिलिम्स पे रहेगा और बाकी 30% रहेगा मेन्स पे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास विदाउट एनी डिले। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल सिंप्लीफाइंग UPSC विद ईज। वहां पर आपको क्लास के नोट्स, रिसोर्सेज, PDFs, अपकमिंग फ्री लेक्चर्स के लिंक्स, सब कुछ टाइमली मैनर पर मिल जाता है। ठीक है, तो उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। शुरू करते हैं आज की क्लास। बिफोर वी स्टार्ट द सेशन, हियर इज अ स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू। अनअकैडमी लेकर आया है अनअकैडमी कॉम्बैट, जो कि इंडिया का कम्पेटिटिव, मोस्ट गेमिफाइड कम्पेटिटिव UPSC CSE बैटल है, जो हर संडे 11 बजे होने वाला है। देखो, ये जो बैटल है ना, ये प्रिलिम्स के पर्सपेक्टिव पे बनाया गया है। यानी कि 45 मिनट्स का टाइम होगा, 60 क्वेश्चंस होंगे, 12 चैलेंजेस होंगे, 6 सेक्शंस होंगे, रिलेटिव स्कोरिंग है एवरी संडे, एंड ऑल्सो यहाँ पर आपको आपकी ऑल इंडिया रैंक भी मिलेगी। ऑल इंडिया रैंक, आपको पता चलेगा कि आप अभी अपने करंट प्रिपरेशन बेसिस पे कहाँ स्टैंड करते हो, क्या आपके वीक पॉइंट्स है, क्या आपके स्ट्रेंथ एरियाज हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, और आपको क्या करना है। सिंपली जो मैंने आपको लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर क्लिक करके रजिस्टर करना है फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ऑल ऑफ यू, अनअकैडमी कॉम्बैट में अगर आप रैंक 1 से रैंक 3 लेकर आते हैं, तो अपने चॉइस के सब्सक्रिप्शन को ले सकते हो अनअकैडमी प्लस पर, 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने, और ऊपर से उस पे भी आपको वो सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है अगर आप लेते हो रैंक 1 से रैंक 3। टॉप 3 रैंक में अगर आप आते हो, फ्री अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, टेन्योर ऑफ योर चॉइस, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, योर चॉइस। रैंक 4 टू रैंक 10 अगर आपकी आती है, तो आपको आपके चॉइस का अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन मिलेगा एट अ 75% डिस्काउंट। रैंक 11 टू रैंक 50, 50% डिस्काउंट, सब्सक्रिप्शन ऑफ योर चॉइस, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ्स। देन रैंक 51 टू 500, 25% डिस्काउंट, 25% डिस्काउंट मिलेगा आपके चॉइस की सब्सक्रिप्शन पर। ठीक है, सो ये है आपके लिए बढ़िया स्कॉलरशिप, इंडिया लार्जेस्ट वीकली स्कॉलरशिप, और हर संडे होगा ये स्कॉलरशिप टेस्ट, हर संडे होने वाला है सुबह 11 बजे। तो मैंने जो लिंक दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर क्लिक करो, रजिस्टर करो और स्टार्ट टेकिंग द टेस्ट। 28 फेब को होने वाला है नेक्स्ट टेस्ट। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपनी रैंक सिक्योर कर ही लो इस टेस्ट में। ओके, चलो, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन टुडे। सेशन शुरू करते हैं। देखो, हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं ना, आपको पता है कि एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री मेंस में नहीं है, मेंस में आर्ट एंड कल्चर आता है। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री प्रीलिम्स तक सीमित होता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। तो डे वन पे आपको क्या करना है, PYQs और सिलेबस देखना है। देखो, जब तक उनको सिलेबस ही नहीं पता, समझ लो तुम्हारी जंग अधूरी है, नहीं होने वाला क्लियर। सिलेबस जिसको पता है, उसको पता है कि मुझे कैसे पढ़ना है, उसको पता है मुझे कितना पढ़ना है, उसको समझ आ जाएगा मुझे कहाँ से पढ़ना है। तो सिलेबस के बिना तैयारी शुरू नहीं करनी। ठीक है, सिलेबस पता करके आप आधी जंग जीत लेते हो। हाफ द बैटल इज वन इफ यू नो द सिलेबस। सो सिलेबस, नोइंग द सिलेबस इज अ मस्ट, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। नाउ व्हाई टू स्टडी मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, बिकॉज इफ यू डू नॉट स्टडी देम, यू विल नॉट नो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड। जब तुमको PYQs ही नहीं पता, तो तुम कैसे अंदाजा लगाओगे जो मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ उसमें से कैसा क्वेश्चन बन सकता है। उसके लिए PYQs जानना जरूरी होता है ना, तो PYQs तो आपको देखने ही देखने हैं। डे वन पे आप पिछले 8 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स निकालेंगे। ठीक है, प्रीलिम्स के, मेंस के भी निकाल लीजिएगा, GS पेपर 1 का, और सिलेबस निकालना है हिस्ट्री का, एंड गो थ्रू देम सिंसियरली। एक दिन इन्वेस्ट करो पूरा, एक दिन की इन्वेस्टमेंट आपको आपकी पूरी प्रेपरेशन जर्नी में बहुत हेल्प करेगी। फिर स्टार्ट करते हैं डे 2 टू डे 7। ये जो 5 डेज का पीरियड होगा, इसमें आप क्लास 6 से 10th की NCERTs को तैयार करेंगे। हिस्ट्री की NCERTs की हम बात कर रहे हैं। दिस शुड नॉट टेक मोर देन 6 डेज। ये 5 से 6 दिन से ज्यादा नहीं लगेगा। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं यार, 2-2 पेज के चैप्टर हैं, कितना टाइम ले लोगे। स्टोरी फॉर्मेट में पढ़ना है तुमको, ब्रशअप करनी अपनी नॉलेज, रिवाइज करना है। ये रिविजन है, ये रिविजन स्ट्रैटेजी है तुम्हारी। ठीक है,
देन डे 8 टू डे 11 क्लास 11 टू 12 एनसीईआरटीज आपको ब्रश अप करनी है. अब देखो कुछ बच्चे बोलते हैं मैम वी शुड स्टडी तमिलनाडु बुक राइट, डू नॉट स्टडी एनसीईआरटीज एंड तमिलनाडु बोर्ड बुक टुगेदर, इधर वन विल बी सफिशियंट. जैसे कि हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस एक साथ नहीं पढ़ते हैं ना, कोई भी एक न्यूज़पेपर चलता है, ऐसे ही एनसीईआरटी या तमिलनाडु बोर्ड बुक कोई भी एक सेलेक्ट कर लो और वही किताब पढ़नी है, फिर उसी से स्ट्रिक्ट रहना है. कंटेंट सेम है, ठीक है, कंटेंट इज सेम, तो आपको कोई भी एक बुक उठानी है, कोई भी एक बुक, ठीक है. प्रेजेंटेशन मैटर्स, यू कैन आइदर पिक अप तमिलनाडु बोर्ड बुक इन 11 12th एनसीईआरटी और एनसीईआरटी, या तो 11 12th की तमिलनाडु बोर्ड बुक पढ़ लो या एनसीईआरटी पढ़ लो, कोई भी एक, ठीक है. तो अभी तक हमने एनसीईआरटी फिनिश कर ली, एनसीईआरटी से आपका एंशिएंट मेडिवल भी तैयार हो जाएगा, ठीक है. देन कमिंग टू डे 12 टू डे 32, 12वें दिन से 32वें दिन तक आप पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रम रिवाइज करेंगे, राजीव अहिर की किताब जो है आपकी ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया. मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए पहले 6 चैप्टर प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी के 7वें चैप्टर से प्रीलिम्स मेंस दोनों पे फोकस करना है. जो 7 चैप्टर के बाद का टिल 28 चैप्टर जो चैप्टर्स हैं वो प्रीलिम्स मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से लिखे गए हैं, एंड इट इज हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. इसमें आप इन्वेस्ट करोगे स्पेक्ट्रम पे, रिटर्न उतना ही ज्यादा मिलेगा आपको, ठीक है. तो स्पेक्ट्रम खत्म करनी है डे 12 से डे 32 तक, यू हैव टू कवर स्पेक्ट्रम, रिवाइज स्पेक्ट्रम. अब नाउ स्टूडेंट्स हैव डाउट, मैम डू वी हैव टू मेक नोट्स, नोट्स भी बनाने हैं? देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ मेकिंग नोट्स, ओनली इंपॉर्टेंट इवेंट्स और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज यू कैन नोट देम डाउन, बाकी आप स्पेक्ट्रम में हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है. एक एक चीज का नोट नहीं बनाना, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, इंपॉर्टेंट ईयर्स, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज उतना नोट डाउन कर सकते हो, बाकी यू कैन हाईलाइट एंड रिवाइज फ्रॉम द बुक इटसेल्फ. ऑलराइट, देन डे 33 टू 43 सॉल्व लास्ट 8 इयर्स पीवाईक्यूज. देखो अभी हमने पहले दिन क्या किया था, पीवाईक्यूज को सॉल्व नहीं किया था, समझा था. वी डिड नॉट सॉल्व द पीवाईक्यूज ऑन डे 1, वी अंडरस्टूड देम, we understood the pattern of questions. Now after completing revising the syllabus, completing the revision, day 33 to 43 solve last 8 years PYQs. Okay, पिछले 8 साल की PYQs solve करके जाना है, because questions are getting repeated in history. History में questions repeat हो रहे हैं, please इसको miss मत करना किसी भी cost पर. Yes, they are repeating the questions because जब आप analyze करोगे आप खुद देखोगे 2013 का question, 5 questions as it is कॉपी पेस्ट, 10 नंबर फ्री के आ जाते हैं. अगर 2017 का प्रीलिम्स आपने देखा होगा, 2013 में से कॉपी पेस्ट किया है पूरा, ठीक है. देन डे 44 टू 45 करंट अफेयर्स ऑफ लास्ट 1.5 इयर्स ऑफ हिस्ट्री, जितने भी हिस्टोरिकल टॉपिक्स पे करंट अफेयर्स आए हैं आपके, एनिवर्सरीज, बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट हुई है, डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट हुई है, तो ये हिस्ट्री में जो भी पाई का रेबिलियन टॉपिक न्यूज में था, तो ये सब आपको पिछले 1.5 साल के करंट अफेयर्स हिस्ट्री के आपको रिवाइज करने हैं. ये आप विजन आईएएस के मंथली मैगजीन से रिवाइज कर सकते हो, ठीक है. डे 46 टू 50, देखो विजन आईएएस मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी बनाया गया है और इंग्लिश मीडियम के लिए भी, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है करंट अफेयर्स. डे 46 टू 50 अगेन रिवीजन, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज करना है 4 दिन में. सो दिस इज योर 50 डे स्ट्रेटजी, 50 डे प्लान ऑफ कंप्लीटिंग एंटायर हिस्ट्री. एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री सिर्फ प्रीलिम्स में है, मेंस में नहीं है. मेंस में आर्ट एंड कल्चर आता है, तो आर्ट एंड कल्चर कैसे करेंगे, एनसीईआरटी से करेंगे भैया. तमिलनाडु की एनसीईआरटी में है ना, तमिलनाडु की सॉरी स्टेट बोर्ड बुक्स में है ना आर्ट एंड कल्चर, वही से तैयार करोगे. साइड में जब करंट अफेयर्स करोगे ना, तो इसमें सीसीआरटी वेबसाइट भी कर सकते हो रेफर, वैसे करंट अफेयर्स में आर्ट एंड कल्चर पूरा होता है और आर्ट एंड कल्चर में करंट अफेयर्स रिलेटेड टॉपिक्स ही आते हैं, ठीक है. अगर आपने सिलेबस देखा है तो आपको पता होगा, पीवाईक्यूज देखे हैं तो पता होगा. तो ये आपकी स्ट्रेटेजी है 50 दिन में हिस्ट्री को कवर करने की, रिवाइज करने की. आई होप, देखो ज्यादा टाइम ना आपको मॉडर्न हिस्ट्री में लगाना है, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, सिलेबस उसी का ज्यादा है ना. तो आई होप कि आपको अभी ये जो क्लास है ये समझ आ गई होगी. आई होप कि आपको इजी लगा होगा, अब प्रेशर हट गया होगा. प्रेशर लेने का नहीं यार, प्रेशर लेने का ही नहीं, ठीक है. सब कुछ इजी है अगर तुमने यहाँ सोच लिया तो सब इजी है, और यही टफ ले लिया तुमने हर चीज को तो सब कुछ टफ है, ठीक है. सो ऑन दिस नोट वी आर रैपिंग अप द सेशन. थैंक यू एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द क्लास.